नमस्कार, कलम गवाह में आपका स्वागत है। भारतीय पत्रकारिता में कई दौर आए हैं, आज़ादी के बाद भी कई दौर आए। किस तरह से पत्रकारिता कलम, प्रिंट और कैमरे से आगे बढ़ी। लोग कहते थे कि तलवार निकालो नहीं कलम निकालो, लेकिन अब सवाल आया है कि साथ में कलम के साथ कैमरे का भी कमाल दिखाओ। और ऐसी पत्रकारिता में ऐसे लोग आए जिन्होंने पत्रकारिता तो की ही, साथ में एक बड़े मीडिया हाउस खड़े किए। किस तरह से भारत में पत्रकारिता में बदलाव लाए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बदलाव लाए। ऐसे ही संपादक और वरिष्ठ पत्रकार जिसको कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने शुरू किया दूरदर्शन से, लेकिन उसके बाद एक पूरी पत्रकारिता, इलेक्ट्रॉनिक पत्रकारिता में क्रांति की, और साथ में वो एक अच्छे लेखक भी हैं। हमारे साथ हैं राघव बहल। नमस्कार राघव जी। सबसे पहले हम शुरू इसलिए करेंगे कि जिस तरह से आप पत्रकारिता में आए, पहले आप कोई IMC जैसे कहते हैं जर्नलिज्म के स्टूडेंट नहीं रहे, मैं भी नहीं रहा था, लेकिन यह कि उस ज़माने में शायद उतनी ज़रूरत नहीं हो, लेकिन बगैर उसके सीधे आपके मन में क्या आया कि आप दूरदर्शन जैसी पत्रकारिता के लिए, उस समय तो ब्लैक एंड व्हाइट से थोड़ा थोड़ा नया ही हुआ था, बस कहना चाहिए रंग शुरू हुआ था, क्योंकि एशिया के समय में शुरू किया, राजीव गांधी वाला फेज एक तरह से गोल्डन पीरियड था। ब्लैक एंड व्हाइट में भी थोड़ा बहुत काम किया हुआ था पहले, वो जो यूथ प्रोग्राम्स जो होते थे जो ब्लैक एंड व्हाइट में होते थे, वो भी थोड़ा बहुत करा हुआ है। लेकिन क्यों शुरुआत हुई आपकी, मतलब व्हाई यू अट्रैक्टेड दिस, क्योंकि आपने तो अपनी पढ़ाई की पत्रकारिता की नहीं की थी, MBA किया, सेंट स्टीफन से पढ़ाई की, सो दूसरे किसी, आप फॉरेन सर्विस में जा सकते थे, आप सीधे मैनेजमेंट में जा सकते थे, आप IAS IFS फॉरेन सर्विस में जाके कहीं अमेरिका में राजदूत होते, लेकिन व्हाई यू चूज की इसमें जाओ। देखिए, कई बार जैसे लाइफ के जो डिसीजन होते हैं वो एक फॉर्चुइटस होते हैं, कुछ ऐसे हालात बन जाते हैं, कुछ आपके डिसीजन होते हैं। तो जब स्कूल कॉलेज में हम थे, उन दिनों प्राइवेट टेलीविज़न तो था ही नहीं, एक दूरदर्शन था और एक ऑल इंडिया रेडियो होता था, तो एक हॉबी थी और हॉबी से ही शुरू हुआ। तो मुझे याद है लेट 70s में जब ब्लैक एंड वाइट का एरा था, तब यूथ फोरम करके प्रोग्राम होता था, तो हमारी वो प्रोड्यूसर होती थी शहजादी साइमन, तो वो कभी कभार बुला लेती थी महीने में एक बार दो बार कि इस डिबेट को मॉडरेट कर लो, या इस डिबेट पे पार्टिसिपेट कर लो, इस पे पैनल डिस्कशन कर लो, कोई यूथ का इशू हो। तो वहाँ से शुरू हुआ और करते करते कलर आया, उससे थोड़ा और इन्वेस्टमेंट हुई टेलीविज़न में, थोड़ी एक्साइटमेंट कंट्री में हुई, लोगों ने नए नए TV खरीदे। और मुझे याद है कि जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने 84 में, दिसंबर 84 में, तो उन्होंने काफ़ी, ही गेव अ लॉट ऑफ फोकस टू दूरदर्शन, उन्होंने कोशिश करी कि इसको मॉडर्नाइज ज़्यादा किया जाए। तो एक आपको ध्यान होगा कि बहुत ही अपने ज़माने के लिए बहुत ही रेवोल्यूशनरी स्टेप लिया था दूरदर्शन ने, प्रोग्राम था न्यूज़ लाइन, वो MJ अकबर और विनोद दुआ, जो कि यू नो बोथ बहुत ही सीनियर एडिटर्स, MJ अकबर तो प्रिंट से थे और विनोद हमेशा दूरदर्शन और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से थे, तो इन दोनों को दिया था बनाने के लिए, और कलर में था और वीकली फॉर्मेट था 45 मिनट्स का न्यूज़ मैगजीन। तो मैं उन दिनों जब यूथ का प्रोग्राम वगैरह करता था, तो पहली बार मैंने नाम सुना न्यूज़ मैगजीन का, कि एक ये चीज़ भी होती है टेलीविज़न पे। और मुझे ध्यान याद है विनोद ने मुझे फ़ोन किया कि तुम यूथ वगैरह का काम करते हो, आओ, हम को बहुत अच्छा ये मौका मिला है, आगे न्यूज़ जर्नलिज्म करते हैं। तो ये 85 की बात है। सो 85 में पहली बार मेरे को ध्यान है जैन स्टूडियो में ये लोग एडिट करते थे, और पहली बार मैं गया, और पहली बार मैंने जब वो एडिट मशीन देखी और जिस तरह से क्विक कटिंग ये लोग कर रहे थे और जिस तरह से वो साउंड आती है टेप से, वो पहली बार देखी मेरे को, अभी तक वो पूरा मंजर वो पूरा याद है मुझे। डार्केंड रूम था, एडिट मशीन थी, 3/4 inch टेप थी, यूमैटिक एडिट, दो एडिट मशीन थी, और ये बैठे हुए काट रहे थे स्टोरी। तो विनोद ने कहा तुम आ जाओ मेरे साथ इसमें काम करो, सो दैट्स वेयर इट स्टार्टेड। तो वहाँ से मुझे न्यूज़ जर्नलिज्म का, पहले तो नॉर्मल टेलीविज़न प्रोग्रामिंग कोई डिस्कशन वगैरह कर ले, लेकिन न्यूज़ जर्नलिज्म का शौक जो है वो उस प्रोग्राम से पैदा हुआ, क्योंकि एक तो सरकारी फोल्ड से बाहर था, क्योंकि अकबर थे और विनोद दुआ थे, तो जिस तरह की हम स्टोरीज़ करते थे वो दूरदर्शन पर कभी दिखाई नहीं गई थी पहले, क्योंकि दूरदर्शन न्यूज़ जो होती थी वो न्यूज़ रीडर पढ़ता था और बीच में वो लोग क्लिप लगा देते थे, वो न्यूज़ होता था। लेकिन जी सलमा सुल्तान, तेजेश्वर सिंह, वो सब लोग न्यूज़ रीड करते थे और बीच में विजुअल आ जाता था, तो और वो न्यूज़ बुलेटिन बन जाता था। न्यूज़ मैगजीन ये पहली थी,
लेकिन न्यूज़ से मैं इसलिए थोड़ा और फिर इशू करूँगा, आपको न्यूज़ चूँकि उस समय स्टेट्समैन था, टाइम्स ऑफ इंडिया भी उस पीक पर तो नहीं था। राजीव गांधी ने वैसे बेसिकली जब वो एशियाड के समय उनको जिम्मेदारी मिली थी तब से, बिकॉज ही वॉज उनका भी माइंड साइंटिफिक उस तरह का रहता था, तो टीवी कलर थोड़ा सा तो शुरू करके, और ये सही, प्रधानमंत्री बनने से पहले भी वैसे तो उनकी एक मन में इच्छा थी कि मीडिया में कुछ ऐसी चीज़ हो, मतलब हम लोग भी जो उनसे बात वो करते रहे उस समय, तो उनके मन में पहले भी था, तो शायद उससे भी एक लगा कि मॉडर्न लुक आए। लेकिन आपको जैसे जर्नलिज्म में, चूँकि आपको विनोद भी जब बुलाया, विनोद दुआ ने हम जब बने, तो देखते होंगे कि इनमें न्यूज़ का एक सेंस है। एक तो आप किन अखबारों को, चूँकि हम लोग इस कलम गवाह में बात कर रहे हैं, जिनसे आपको इंस्पायर किया हो कि भाई ये पढ़ते हैं तो हमारा एक वाइड रेंज, चाहे अमेरिका के बारे में जानना है, चाहे चीन के बारे में जानना है, या भारत की भी जो राजनीति में उथल पुथल वाला दौर था 84, 83, 80, एशिया तो चलिए ठीक है, उसके बाद इंदिरा गांधी का सेशन शुरू हुआ, पंजाब का आंदोलन चल रहा था और राजीव गांधी भी आए थे, तो एक नई तरह का एक माहौल भी था, और अखबारों में भी एक तरह से क्रांति सी ही हो रही थी। जिस ज़माने में जहाँ लंदन टाइम्स की तरह कलर फोटो नहीं छपते थे, वहाँ कलर फोटो छपना शुरू हुए। बिल्कुल। तो उस समय आप किन अखबारों या संपादकों से प्रेरित हुए, इंस्पायर हुए? स्टेट्समैन के लिए मैं कॉलम भी लिखा, तो काफ़ी देर मैंने एक कॉलम लिखा, कोतरू साहब एडिटर थे दिल्ली में, तो उन्होंने कहा कि तुम यंगस्टर्स को मैं लाना चाहता हूँ, नए नए कॉलमनिस्ट लाना चाहता हूँ, तो वहाँ पे हम लिखना भी शुरू करें, तो स्टेट्समैन जरूर पढ़ता। कलम आपको मतलब साथ में आपका रही है? हाँ, जरूर जरूर, ये आप नहीं कह सकते कि मैं कलम से वास्ता नहीं रहा। बिल्कुल, कॉलम जरूर लिखे। उसके बाद विनोद मेहता साहब ने अपॉर्चुनिटी दी, पायनियर में लिखा मैंने, काफ़ी देर कॉलम लिखा। उनका भी यही था कि मेरे को यंग माइंड्स चाहिए, कि मेरे पास वेटरन्स तो बहुत है, मुझे यंग माइंड्स चाहिए। तो स्टेट्समैन पढ़ा करते थे, टाइम्स ऑफ इंडिया तो खैर पढ़ते थे, हिंदुस्तान टाइम्स उन दिनों काफ़ी पढ़ी, आई थिंक इंदर मल्होत्रा जी, ये उनका टाइम था। सो मैगजीन भी बहुत पढ़ा करते थे, इंडिया टुडे, संडे, तो मैगजीन भी बहुत, अकबर ने तो सारा अपना नाम शुरू में संडे पे ही कमाया, तो वहाँ से जर्नलिज्म का तो बहुत शौक था, पॉलिटिकल इश्यूज़ में बहुत इंटरेस्ट शुरू से था, लेकिन कि करियर बनेगा वो नहीं पता था। बट वो न्यूज़ मैगज़ीन जब न्यूज़लाइन करी तो लगा कि यहाँ पे ये इसमें कुछ है जिसमें मुझे अच्छा लगता है। और जो हम कई चीज़ें हम वैसे करी, जैसे मुझे याद है कि नानी पालखीवाला हर बजट के बाद एक बहुत बड़ी ऑलमोस्ट रैली, मान लीजिए इट वॉज़ अ रैली बॉम्बे में करते थे, जिसमें वो अपना टिप्पणी देते थे बजट पे। अब वो ज़माना प्राइवेट टेलीविज़न का था नहीं, तो उनकी जो बजट स्पीच थी वो कभी टीवी पे नहीं आती थी, वो अखबारों में ही सिर्फ उसकी रिपोर्टिंग होती थी। तो न्यूज़ लाइन में मुझे ध्यान है, मैंने नानी पालखीवाला साहब को रिक्वेस्ट भेजा कि मैं आपकी जो बजट स्पीच है वो तो हम टेलीकास्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लाइव टेलीकास्ट वगैरह हमारे पास न्यूज़ लाइन में नहीं था, लेकिन उसके बाद मैं आपसे इंटरव्यू करना चाहता हूँ बजट के बारे में। और उनका जवाब आ गया कि यस। तो मुझे अभी भी याद है कि हम उनके टाटा हाउस में गए बॉम्बे में, वहाँ पे उनके साथ बाकायदा 8 मिनट की इंटरव्यू हुई, और दैट वाज वेरी मच अप्रिशिएटेड, बिकॉज पहली बार दूरदर्शन पे ऑन बजट नानी पालखीवाला के व्यूज़ आए। तो ऐसे कई मुझे स्टोरीज याद हैं जिससे ये पूरा इंटरेस्ट जो है ना बहुत बढ़ता रहा, और फिर मुझे लगा कि ये करियर अच्छा है। हम लोगों को ध्यान है कि उन दिनों LTTE का बहुत वो चल रहा था, और उस वक्त इंडिया और LTTE वो टुगेदर, एक्चुअली वो JKLF से पहले की बात। हमारे सपोर्ट उनको कुछ हद तक था, ये तो नहीं कह सकते टुगेदर, लेकिन टुगेदर हाँ, मतलब जो हमारा जो था कि उनके प्रति हमारी सहानुभूति, क्योंकि तमिल लोगों के साथ हमारा था, वो लोग आकर के रामेश्वरम के आसपास, बिल्कुल बिल्कुल, तो उसी कैंप में हम लोग गए थे रिपोर्ट करने के लिए जहाँ पे रेफ्यूजीज थे, और वहाँ पे LTTE के बाकायदा स्पोक्समैन जो थे, मेरा ध्यान मुझे आ रहा है शायद एंटन बालासिंगम उनका नाम था, वो वहाँ पे रहते थे। He was stationed at Chennai, yeah. And he gave us an interview. So openly, he was moving around openly. तब कोई, it wasn't हमारा relation उनके साथ वो terrorist organization वाला नहीं था. India did give support as you said refugees भी थे. तो वो एक मुझे interview याद है. मुझे एक और बहुत भारी एक image जो अभी ध्यान है कि तमिलनाडु में election हो रहे थे और MGR was the चीफ मिनिस्टर, और करुणानिधि जो थे अपोजिशन में थे, तो हमको एक, हम लोग गए करुणानिधि की रैली देखने के लिए, और मुझे अभी तक वो याद है कि जिस तरह से करुणानिधि की उन दिनों रैलीज होती थी, यंग थे उन दिनों तो बहुत, और कोई 100 मोटरसाइकिल पहले आती थी, एकदम हट्टे कट्टे उनके सपोर्टर, 100 मोटरसाइकिल आती थी,
उस और उसमें जो रोर होता था मोटरसाइकिल का, उसके बाद करुणानिधि की गाड़ी आती थी और फिर वो बोलते थे। तो ये सारी इमेजेस हमने उन दिनों कैप्चर करी। तो ऐसे कई इंस्टेंसेस हैं जिनमें जिस तरह से हम वो जो एक्सपीरियंस था, वो एक साल का एक्सपीरियंस था वो प्रोडक्शन का, प्राइवेट टेलीविज़न का पहली बार हमें वो फ्लेवर मिला। इट वॉज दूरदर्शन बट फ्लेवर मिला क्योंकि प्रोडक्शन प्राइवेट हैंड्स में थी और एडिटर इतने अकम्प्लिश्ड थे जिनको ये सब एक्सेस था। उसके बाद आप न्यूज़ ट्रैक में ही चले गए? नहीं जी, उसके बाद सो न्यूज़ लाइन आई थिंक 86 में बंद हुआ और उसके बाद 87 में 87-88 में फिर विनोद दुआ ने मुझे फ़ोन करा और विनोद मधु त्रेन के साथ काम कर रहे थे इंडिया टुडे के लिए ये वीडियो कैसेट बनाने के लिए। तो विनोद ने कहा कि देखो न्यूज़ लाइन जैसा था वो तो दूरदर्शन में अब ख़त्म हो गया, लेकिन अब हम वीडियो कैसेट निकाल रहे हैं जो कि हर महीने डिस्ट्रीब्यूट होगा जैसे मैगज़ीन डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो फिर वो न्यूज़ ट्रैक का दौर शुरू हुआ। वहाँ पे मैंने काफ़ी देर काम किया, वहाँ पे मैंने 2.5-3 साल काम किया। लेकिन इसके पहले पढ़ाई के समय अमेरिका में भी आप रहे थे ना? थोड़ी देर के लिए जी, थोड़ी देर के लिए, तो मेरा थोड़ा हेल्थ का इशू हो गया तो मुझे वापस आना पड़ा। तो वहाँ मतलब वहाँ के जो टेलीविज़न जो मीडिया जो कहना चाहिए इवन अखबार भी, चाहे वो न्यूयॉर्क टाइम्स हो, उनका भी कोई असर आपको, चूँकि भारत में वो दौर एक तरह से था, लोग कहते हैं 91 के बाद, लेकिन राजीव गांधी के साथ एक तरह से, जैसे 85 में राजीव गांधी गए थे वहाँ के प्रेस क्लब में बोला, तब टीवी यहाँ उतना नहीं था, लाइव ब्रॉडकास्ट नहीं हो पाया, लेकिन उससे एक बड़ा इम्पैक्ट हो रहा था। सो आपके मन में भी क्या हमें भारत में अमेरिका जैसे बने, एक तरह से ब्रिटेन या तो BBC एक बड़ा बना जाता था या CNN भी, तब तक वो वाली क्रांति नहीं हुई थी CNN जिसको कहना चाहिए 85 में, CNN तो अर्ली 90s में, इसलिए वो तो पहले नहीं आया था। सो उससे भी कुछ आपको लगा कि भारत में वैसा ही एक मीडिया स्टेब्लिश हो? क्योंकि मुझे ऐसा याद है कि राजीव गांधी के मन में था कि ऐसा मीडिया हाउस होना चाहिए जो ज़्यादा ओपन हो। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए वहाँ पे अमेरिकन टेलीविज़न उन दिनों न्यूज़ में बहुत काफ़ी डोमिनेटेड होता था, अर्ली मॉर्निंग अमेरिकन टेलीविज़न न्यूज़ ही होती थी। और आई रिमेंबर वहाँ पे जब मैं था तो मैं, अभी भी चल रहा है वो शो टुडे शो ऑन NBC, 2 घंटे का शो होता था, या ABC का गुड मॉर्निंग अमेरिका, वो सारे शोज देखते थे हम लोग जब वहाँ पे थे, और इवनिंग लेट इवनिंग उनके जो बुलेटिन होते थे, तो बिल्कुल जिस तरह से वो लोग फास्ट कटिंग करते थे और जिस तरह से वो उनके जो न्यूज़ रीडर्स फास्ट बोलते थे और जिस तरह से विजुअल चारों तरफ से आता था, बिल्कुल था बिल्कुल की सफलता के पीछे जो हम लोग बहुत वो एक्सपीरियंस लेके आए, मधु भी लेके आए क्योंकि वो भी न्यूयॉर्क में रहती थी, काफ़ी देर रहीं, मैं भी वहाँ पर था, तो न्यूज़ ट्रैक में काफ़ी हमने कोशिश करी उस तरह के इन्फ्लुएंसेस को लाने की, और वही आई थिंक ऑडियंसेस को अच्छा लगा कि वो दूरदर्शन से काफ़ी अलग थी वो न्यूज़ प्रेजेंटेशन। न्यूज़ ट्रैक में आप किस तरह के प्रोग्राम पर आपका फोकस ज़्यादा, खुद जो आप करते थे रिपोर्टिंग या? तो मेरा वहाँ पे एक दो रोल रहा, एक तो मैं एंकर करता था मधु के साथ, दूसरा अपनी इंटरव्यूज़ स्टोरीज़ पोलिटिकल और बिजनेस, यही दो एरियाज़ में मैंने कॉन्सेंट्रेट किया। कभी कभी सोशल भी कर लेते थे लेकिन वहीं जहाँ पे पॉलिटिक्स का इन्फ्लुएंस रहे, कोई सोशल ऐसा इशू हो जिसमें पॉलिटिक्स का है। क्योंकि ये वीडियो पर बने, चूँकि न्यूज़ टेक उस तरह का था, तो उस समय के इंटरव्यूज़ में नेताओं के भी कुछ पुराने लोग बने, यूँ तो दूरदर्शन में अरुण नेहरू का या जिस तरह का जो इन्फ्लुएंस कहना चाहिए, जो इमरजेंसी वाला नहीं कहना चाहिए, लेकिन उस तरह के नेता भी थे, या दूसरी पार्टियों में भी ऐसे जो नेता थे, चाहे अडवाणी रहे हों, वाजपेयी रहे हों, कई तरह के नेताओं से भी उस समय के कई विवाद भी ऐसे थे, चाहे पंजाब हो चाहे अयोध्या का, उतना नहीं शुरू हुआ लेकिन धीरे धीरे उसकी तरफ नहीं बढ़ रहा था, शुरू हो रहा था। न्यूज़ ट्रैक का तो बाद में तो उसी पर मुद्दा तो बताया, शाबानो बहुत बड़ा इशू था उन दिनों। तो उस तरह के उस पर कभी आपको ऐसा लगा कि भाई कई तरह के प्रेशर, चूँकि वो बाद में टेलीकास्ट होना है सरकारी, तब तक दूरदर्शन ने कहना चाहिए कि प्रसार भारती कहने को था, लेकिन उतना उस तरह से नहीं वो हो पा रहा था। देखिए उन दिनों प्रेशर ज़्यादा नहीं आता था क्योंकि एक तो इंडिया टुडे ग्रुप का अपना एक स्टैचर था, एक अपना एडिटोरियल उनका वजन था, जिसकी वजह से ज़्यादा लोग उनको प्रेशर में डालना नहीं चाहते थे। दूसरा ऐसा कोई सेंसर वगैरह था नहीं। तीसरा ये वीडियो कैसेट था तो एक इसका लीगल कैटेगरी जो था वो एम्बिगुअस था कि ये क्या टेलीविज़न तो है नहीं, ब्रॉडकास्ट होता नहीं है, मैगज़ीन की तरह आता है, मैगज़ीन पर कोई सेंसरशिप का सवाल ही नहीं होता था, प्रेस काउंसिल से थोड़ा बहुत कभी डायरेक्शन आ जाए तो आ जाए लेकिन सेंसरशिप की कोई बात नहीं होती थी, तो ऐसा कोई हमें दबाव आया नहीं। लेकिन स्टोरीज जो थी हमारी बड़ी काफ़ी कंट्रोवर्शियल होती थी। मुझे याद है जब मंडल एजिटेशन हुआ और वो जो लड़के ने जो अपने आप को
बर्न करा जा ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट के बाहर, हमारा कैमरा था वहाँ पे और वो शॉट्स थे हमारे पास, तो एक यू हैड टू एक्सरसाइज एडिटोरियल जजमेंट कि कितना दिखाया जाए, कितना इन्फ्लेमेटरी होगा, क्योंकि दूरदर्शन तो कुछ दिखाता नहीं था ऑब्वियसली, बिकॉज दूरदर्शन का इम्पैक्ट कंट्री वाइड और हर यू नो उसमें था, तो हमारे पास वो विजुअल्स थे, कितना दिखाएं कितना ना दिखाएं, पंजाब की जो सिचुएशन थी, आसाम, देखिए मिड 80s में कंट्री में बहुत टर्बुलेंस थी, एक सेसेशनिस्ट मूवमेंट पंजाब में चल रही थी, एक आसाम में चल रही थी, मंडल एजिटेशन था, शाबानों पे बहुत आरिफ मोहम्मद खान वगैरह, मुझे पूरा ध्यान है, हम लोग उनकी इंटरव्यू भी करी, और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बहुत उन दिनों वोकल होता था, फिर वो ताले खुल गए इधर इधर अयोध्या में, फिर उसका फॉलो आउट रहा, फिर बोफोर्स बहुत बड़ा मुद्दा बन गया, सो बहुत ही एक टर्बुलेंट फेज था वो जो मिड 80s से लेट 80s का, और आई इन इन हाइंडसाइट आई कैन से मेरा गुड लक था कि आई वॉज एबल टू रिपोर्ट ऑन दोज टाइम्स, क्योंकि रिपोर्टिंग में जो आदमी सीखता है वो शायद उसके बाद कभी नहीं सीख पाता, जितना पढ़ने से सीखता है उससे ज़्यादा सामने जमीन, जब ज़मीन पे आप होते हो, और वो मेरे रिपोर्टिंग डेज थे, बिकॉज वो डेस्क के पीछे बैठने वाले दिन नहीं थे, वो हम लोग फील्ड में होते थे, और उन दिनों खूब ट्रैवल करते थे, आई थिंक हफ्ते में कैसेट निकालने के लिए कोई स्टोरी बाहर जाना तो मद्रास हो, कलकत्ता हो, बम्बई तो बहुत आते थे हम लोग स्टोरीज़ करने के लिए, बाकी पंजाब में ट्रैवल हो, इंदौर, बहुत यू नो दोज वर द डेज वन रियली। उसके बाद जैसे नया दौर जब शुरू हुआ, NDTV ने शुरू किया एक तरह से कहना चाहिए, कि आप कोलोब्रेशन करके, और पहले तो वही दूरदर्शन को भी देते थे, तो फिर उसके बाद आपकी जर्नी कहाँ आ गया, आपने बढ़ाई? तो न्यूज़ ट्रैक का मेरा एसोसिएशन ख़त्म हुआ, अगेन मेरा थोड़ा हेल्थ में गड़बड़ हो गई तो मुझे अमेरिका वापस जाना पड़ा था, लेकिन वो सो एक नेचुरल एंड आ गया उसका, तो मैं 4-5 महीने आई वॉज आउट ऑफ एक्शन एंड आउट ऑफ द कंट्री। जब मैं वापस आया तो अर्ली 90s में ये सैटेलाइट रेवोल्यूशन शुरू हो गया, आप गल्फ वॉर का अगर आपको याद हो तो CNN एकदम उसी से ही तो शुरू, उसी से सब शुरू हुआ, तो उस वक्त हमें लगा कि ये जो रेवोल्यूशन है अब ये हिंदुस्तान में आएगा, प्राइवेट TV अब आप रोक नहीं पाओगे, क्योंकि अब गवर्नमेंट पॉलिसी जो भी हो अब टेक्नोलॉजी ने वो गवर्नमेंट पॉलिसी को इरेलीवेंट कर दिया है, क्योंकि अब सिग्नल ऊपर से आ रहा है, और उसके बाद ZTV पैदा हुआ, बाकी चैनल्स आए, BBC आया इंडिया में, CNN भी आया इंडिया में, सो हमें उस वक्त लगा कि अब मौका ऐसा है कि दैट यू कैन गेट इनटू दिस फुल टाइम, इसको एक फुल टाइम करियर अब बनाया जा सकता है, और क्योंकि मैं बिजनेस का भी स्टूडेंट रहा था, आई वॉज यू नो मैं काम भी करा, फर्ग्यूसन में काम किया, अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक में काम किया, तो मुझे बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग शुरू से थी, सो आई सेड कि ये एक ऐसा मौका है जिसमें यू कैन बिकम एन एंटरप्रेन्योर, आप खुद अपना कुछ बना सकते हो, और तभी मैंने कहा कि जिंदगी के कई डिसीजन ऐसे होते हैं जो आप खुद नहीं लेते हो, सर्कमस्टेंसेज बन जाते हैं, तो अर्ली 90s में वो सर्कमस्टेंस बना कि सैटेलाइट TV दिखता था कि आएगा, प्राइवेट टेलीविजन दिखता था कि आएगा, न्यूज़ में रुचि शौक हमेशा था, और बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग थी, और इंडिया लिबरलाइज कर गया, सडनली फॉरेन कैपिटल को हम लोगों ने अपनी इकोनॉमी ओपन कर दी, तो कुछ ऐसे शब्द जो हमने कभी सुने नहीं थे इंडिया में, प्राइवेट इक्विटी, वेंचर कैपिटल, ये शब्द सुनने को नहीं आते थे इंडिया में, बिकॉज इतनी स्टेट कंट्रोल्ड इकोनॉमी थी हमारी 70s-80s में, लेकिन अर्ली 90s में ये सारे 5-6 इशूज़ एक साथ आए, और मैंने कहा दिस इज़ द टाइम कि अपना कुछ बनाते हैं, कुछ शुरू करते हैं, कैपिटल वेंचर कैपिटल से मिलेगा, समझ हमको है मीडियम की, तो अपना बनाते हैं, तो हम लोगों ने तब TV 18 शुरू करी थी, तो 1992-93 में TV 18 शुरू करी, और बस उसके बाद वो पहले प्रोडक्शन हाउस की तरह से, और सीधा पहले 7-8 साल टेलीकास्ट की तो सुविधा थी नहीं जी, नहीं 7-8 साल हम प्रोडक्शन हाउस रहे, हम लोगों ने 2 पायलट बनाए, एक बिजनेस में बनाया और एक एंटरटेनमेंट में बनाया, और हमने एक BBC को भेज दिया पायलट देखने के लिए, दिखाने के लिए, और एक हमने भेज दिया Star TV को हांगकांग में, अब एज लक वुड हैव इट दोनों अप्रूव हो गए,
दोनों, क्योंकि उन लोगों को भी लग रहा था कि इंडिया में अगर हमको मार्क बनाना है तो लोकल प्रोग्रामिंग करनी है। इंडिया के ही तो सिद्धार्थ रहे तो वही थे, सिद्धार्थ उन दिनों सीईओ थे, सीईओ ऑफ स्टार्टिंग, बिल्कुल सिद्धार्थ सीईओ थे, सिद्धार्थ से ही मैं मिला था, वही टाइम्स ऑफ इंडिया से तो वही गए थे, मतलब बिल्कुल। तो सिद्धार्थ से मैं मिला, मैंने उनको पायलट दिखाया, उन्होंने कहा बहुत अच्छे वक्त पे तुम आए हो, हम सोच ही रहे हैं लोकल प्रोग्रामिंग करने की, क्योंकि वहाँ बाहर वालों को तो लगे ही लेकिन भारत का आदमी वहाँ पर सीईओ था, बिल्कुल, क्योंकि उनको भी मीडिया में उसकी ज़रूरत भी थी कि ऐसा हो, बिल्कुल। तो उन्होंने उसको कमीशन किया और फिर अगले फिर 2-3 साल हम लोगों ने जम के मेहनत भी करी और ये 2 शो बनाए और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के बनाने की कोशिश करी, यूमैटिक टेप छोड़ के बीटा कैम, उन दिनों बीटा कैम पहले टेक्नोलॉजी आई थी, सिर्फ बड़े कम लोगों के पास थी, हम लोगों ने उसमें इन्वेस्ट किया, बीटा कैम में शो बनाए और फिर दोनों शो पॉपुलर हो गए, फिर और काम आता रहा। तो 5-6 साल तो हम लोग प्रोडक्शन हाउस ही, मैंने एक अपना प्रोडक्शन हाउस के बाद जब अपना खुद चैनल जिसको कहना चाहिए TV18 के अपने चैनल बने, IBN, वो भी खैर पहले टेकोर हुआ, वो तो खैर लंबी कहानी है, लेकिन मतलब उस तरह से जब आप उसमें आए तब किस तरह का है, चूँकि एक न्यूज़ का पूरा चैनल चलाना, जैसे आप कह रहे हैं कि अखबार प्रिंट के लिए भी एक तरह से चुनौतियाँ होती थी और इसमें भी होती थी, जो अब साथ में कंप्यूटर, मान लो स्टार भी सामने है, NDTV भी सामने है, ZEE है सामने है, तो उसमें किस तरह के चैलेंजेस आपको लगे, जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिकली इसको कहना चाहिए कि वो भी तो एक होता है कि आप खड़ा करेंगे तो कौन लोग आपका साथ देंगे, कौन नहीं देंगे, कौन रास्ता रोकेगा। तो हम लोगों ने एक जो जॉनर खाली था बिजनेस न्यूज़, NDTV ने तो अपना पूरा नाम पॉलिटिकल न्यूज़ में बनाया, आज तक TV Today ग्रुप के उसमें उन्होंने हिंदी जर्नलिज्म में उन्होंने अपना नाम बनाया, एक जो स्लॉट खाली था वो बिजनेस का खाली था, और हम लोगों ने बिजनेस BBC के लिए 6 साल के लिए इंडिया बिजनेस रिपोर्ट बनाया था। अब वो वीकली शो था लेकिन उसका इम्पैक्ट कुछ ऐसा था कि जो भी इंडिया में डिसीजन मेकर्स थे, इन्फ्लुएंशियल लोग थे, वो संडे के संडे BBC आके उस शो को देखते थे, तो उसका इम्पैक्ट जो था डिस्प्रोपोर्शनेट रहा, वीकली था लेकिन इम्पैक्ट डिस्प्रोपोर्शनेट रहा, क्योंकि इट वॉज दी ओनली काइंड अपने का एक ही तरह का शो था। तो हमने सोचा कि बिजनेस में ही अपना पांव जमाते हैं, क्योंकि बाकी लोग अब काफ़ी पांव दूसरे में जमा चुके हैं। CNBC के साथ हमारी पार्टनरशिप हुई, CNBC से हम लोग उनके लिए स्ट्रिंगिंग करते थे, हम लोग उनको हफ्ते में 2-3-4 स्टोरीज भेजा करते थे, तो उन्होंने कहा कि अब इंडिया में हम आना चाहते हैं लेकिन हमें नहीं लगता इस मार्केट का पोटेंशियल कुछ ज़्यादा है, तो हम पार्टनरशिप में आना चाहते हैं और हम आपको अपना ब्रांड दे देंगे और हम आपको अपना इंटरनेशनल कॉन्टेंट दे देंगे लेकिन हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे। तो हमने कहा ठीक है साहब, हम इन्वेस्ट करेंगे क्योंकि हमें पूरा कॉन्फिडेंस है कि हिंदुस्तान में बिजनेस चैनल में हम लोग लीडर बन जाएंगे, और जिस तरह से कंट्री लिबरलाइज कर रही है, इकोनॉमी लिबरलाइज हो रही है, बिजनेस एडिटोरियल में खूब इंटरेस्ट होने वाला है। तो जिस तरह से आपने अमेरिका में, CNBC अमेरिका में भी तो mid-90s में ही शुरू हुआ, तो वो शुरू वहाँ 5-6 साल ही अमेरिका में भी चला था, ऐसे जिस तरह से अमेरिका में आपने एक रेवोल्यूशन कर दिया है बिजनेस न्यूज़ प्रोग्रामिंग में, हमें पूरा कॉन्फिडेंस है कि इंडिया में ये हो जाएगा। और वहाँ पे एक लक का फैक्टर भी जुड़ जाता है, ये 98-99 की मैं बात कर रहा हूँ, हम लोग ऐसे 7-8 साल हम लोग प्रोडक्शन हाउस रहे, काफ़ी शोज हम लोगों ने बनाए, आई थिंक 30-40 शो कई चैनल्स के लिए, जी के लिए, सोनी के लिए, स्टार प्लस के लिए, MTV के लिए, बहुतों के लिए बनाए हमने, तो एक साइज बन गया था कंपनी का। तो उन दिनों मार्केट्स जो थी वो एकदम बहुत चढ़ने लग गई थी, आपको ध्यान हो कि .com boom जिसे बोलते हैं, वो .com boom के दिन थे 99-2000 के। तो हमें लगा कि ये .com boom जो है इसमें अपॉर्चुनिस्टिकली हम लोग अपना IPO कर दें, क्योंकि अब कंपनी में थोड़ा साइज तो आ गया था और CNBC के साथ जॉइंट वेंचर भी हो गया था, मार्केट्स खूब बहुत ऊंची थी, तो हमने अपना IPO कर दिया। तो वो हमको एक वो गुड लक फैक्टर, जो कि मेरे को लगता है हर एक एंटरप्रेन्योर की स्टोरी में गुड लक बहुत ज़रूरी है, या हर इंसान की स्टोरी में गुड लक। कुछ बड़े कॉर्पोरेट हाउस ने भी सपोर्ट या कह चुके उसमें पैसा लगा दिया, कहना ये भी कह सकते हैं कुछ हद तक। कॉर्पोरेट ने तो नहीं लगाया लेकिन इंडिविजुअल रिटेल शेयर होल्डर ने लगा दिया, रिटेल शेयर होल्डर ने खूब हमको सपोर्ट किया, और वहाँ से हमको पहला अपना कैपिटल मिला, CNBC का कॉन्ट्रैक्ट भी था, तो वहाँ से हमने चैनल शुरू की। अब चैनल एज आई एक्सपेक्टेड टुक ऑफ, क्योंकि बिजनेस में वो सिर्फ एक वो ही थी। अब अगले 4-5 साल तक हमने खूब उसमें फोकस करके, मार्केट लीडरशिप बहुत रही हमारी, 80-90% मार्केट शेयर होता था, रेवेन्यू भी आना शुरू हो गया, CNBC आवाज़ भी उसके आसपास, CNBC आवाज़ 2005 में शुरू की, वो तो बाद में शुरू किया जी 2005 में। तो 2000 से 2005 तक हम लोगों ने फोकस अपना उस चैनल में रखा, एक चैनल में, और
अच्छी उसकी प्रॉफिटेबिलिटी थी, अच्छी उसकी कैश फ्लोज थे, उसका इमेज बहुत अच्छा था, एडिटोरियली बहुत स्ट्रांग था। हिंदुस्तान में जितने भी बड़े फाइनेंस मिनिस्टर से इंडस्ट्रियलिस्ट इकोनॉमिस्ट सब आते थे। हमारी फाइनेंस मिनिस्टर की एनुअल इंटरव्यू जो बजट के बाद थी वो तो एक बहुत एक लैंडमार्क सी बन गई थी। तो वो 5 साल काफ़ी उसमें फोकस करा, और 2005 में फिर जब उसका काफ़ी स्ट्रांग हो गई थी उसकी ऑपरेशन, तब हम लोगों ने दो चीज़ करी। एक तो CNBC आवाज़ हम लेके आए, क्योंकि हमें उस वक्त लगा था कि इंग्लिश में तो ऑडियंस है ही है, लेकिन जिस तरह से इंडिया रैपिडली ग्रो कर रहा है, मार्केट बढ़ रहा है, मार्केट बढ़ रहा है, हिंदी में बहुत बड़ी मार्केट होने वाली है, तो तब हमने CNBC आवाज़ शुरू किया। एंड दैट टर्न आउट टू बी राइट, बिकॉज CNBC आवाज़ से जो बिजनेस न्यूज़ की मार्केट थी इंडिया में एक ही साल में 4 गुना हो गई, 4 times ग्रो करी, क्योंकि सडनली वो जो हिंदी भाषी था उसने बिजनेस में इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया, और उसके कंज्यूमर इश्यूज भी थे, तो हमने काफ़ी उसमें कंज्यूमर फोकस भी रखा, इन्वेस्टर और कंज्यूमर फोकस, कॉरपोरेट फोकस इतना नहीं रखा शुरू में, क्योंकि एक आम आदमी को उन दो चीज़ों से मतलब था, या मार्केट से या कंज्यूमर इशूज से। बाद में कॉरपोरेट इशू भी काफ़ी आया, रियल इस्टेट भी काफ़ी आया। लेकिन ये आपको नहीं लगता कि इससे पहले जो मैंने जो भी फेज था, एक बड़ा एक डेवलपमेंट अलग तरह का हुआ? इकोनॉमिक टाइम्स होते हुए भी वो उतना प्रॉफिट में नहीं था, मतलब एक चैलेंज आपने तो उस तरह से किया, और हिंदी के अखबार जैसे लिस्टेड वीकली कहें, हिंदी में धर्म कहें, साप्ताहिक हिंदुस्तान टाइम्स की प्रूफ कहें, हिंदी के सारे पब्लिकेशन, मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं भी उस समय जब आपने शुरू किया 2005 में, तो संजय पगले जब जाएंगे तो मुझे लगा था कि भाई कैसे चलेगा, चूँकि इकोनॉमिक तो मार्केट उस तरह का है नहीं हिंदी वालों का, इसमें पैसा नहीं आता जी, उसमें जाना जाता कि वो जो चुनौती होती है मीडिया में, जो प्रिंट में टाइम्स ऑफ इंडिया को चलाना कठिन है, जहाँ घाटा सभी जैन के उसी समय वो थोड़ा आगे बढ़ ही रहे थे, लेकिन फिर भी देखा जाए तो उनको वो मुनाफा नहीं था जो आज है जी। लेकिन ये एक तरह का आपके मन में, चूँकि आप ठीक है उस बिज़नेस को जानते थे, लेकिन ऐसे कंटेंट को मिक्स करके हिंदी से भी पैसा कमा लें, ये चमत्कार क्या उनको टेलीविज़न का असर लगा कि इससे ज़्यादा हमें रीच होगी बनस्बत प्रिंट के? नहीं, उसमें ये जो आप सवाल पूछ रहे हैं, इट्स ट्रूली अ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन कि हिंदी में क्यों नहीं सक्सीड हुआ प्रिंट में इतना, और टेलीविज़न में क्यों सक्सीड हुआ, और उसका कारण आई हैव थॉट अबाउट इट अ लॉट। देखिए, दो कारण थे, एक तो अंग्रेज़ी में CNBC ऑलरेडी ब्रांड जम चुका था, तो ब्रांड का रिकॉल था, लेकिन दूसरा, और ये लिंक करता है मेरे उस असेसमेंट से उस वक्त, कि आज तक इतना सक्सेसफुल क्यों हुआ था। जब आज तक इंडिया टुडे ने लॉन्च किया, तो मैं स्केप्टिक्स में से होता था, मैंने कहा हिंदी में कहाँ TV कोई देखेगा, क्योंकि अखबार पढ़ने वाले लोग हैं, अंग्रेज़ी में NDTV ऑलरेडी इतनी बढ़िया सर्विस चला रहा है, हिंदी में कहाँ इसकी ऑडियंस मिलेगी। और जिस तरह से आज तक सक्सेसफुल हुआ, यू नो, इट जस्ट SP सिंह के ज़माने में जब एकदम इट बिकेम सच अ लार्ज फिनोमेना, उससे मुझे दो सबक मिले। एक तो सबक कि हिंदी मार्केट बहुत बड़ी है, विच वॉज सबको पता था, लेकिन एक अब प्रूवन पॉइंट हो गया। दूसरा कि विजुअल मीडियम में कई लोग हैं लैंग्वेज एग्नोस्टिक होते हैं, तो मैं शायद अंग्रेजी का अखबार पढ़ता हूँ, हिंदी का अखबार मैं पढ़ नहीं सकता इतना, क्योंकि फॉर वैरायटी ऑफ रीजंस मेरी हिंदी की एजुकेशन 5वीं या 6ठी क्लास में ख़त्म हो गई, उसके बाद मैंने इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई करी। लेकिन जब ऑडियो विजुअल मीडियम पर बात आती है, क्योंकि हिंदी में घर में बोलता हूँ, तो मैं देखता ज़रूर हूँ, मैं उसको पढ़ता नहीं हूँ, मैं देखता हूँ। That lesson stayed with me कि हिंदी ऑडियो विजुअल में अंग्रेजी ऑडियंस बहुत इंटरेस्टेड हो सकती है, क्योंकि यू आर कंज्यूमिंग ऑडियो विजुअली, तो जो ना पढ़ने वाला, हिंदी को ना पढ़ने वाला इंसान भी है, वो देखने हिंदी टेलीविजन आता है। एक तरह से सप्लीमेंट किया, जो हम लोग हमेशा कहते हैं कि जो मीडिया एक दूसरे को कॉम्पीट नहीं कर रहा था, उसको कम नहीं कर रहा था, बढ़ा रहा था। जिसने मान लो प्रिंट में उसको पढ़ना है, तो मान लो कुछ डिटेल में उसको लगता है भी देखा, फिर यदि उसको इन डेप्थ तोड़ जाना है, तो चाहे वो इंग्लिश में जाए, हिंदी में जाए, उसमें जाए। सो आई थिंक इंडिया में जो क्रांति हुई है इलेक्ट्रॉनिक, ये इसका फ़ायदा पूरे मीडिया को और देश को, एक सोशल इकोनॉमिक रिवॉल्यूशन जिसको कहना चाहिए, वो एक शुरुआत उसकी हुई उससे। बिल्कुल हुई, तो उसका एक्सपीरियंस, आज तक का एक्सपीरियंस देखते, मैंने कहा ये हिंदी में हम लोग CNBC आवाज़ निकाल सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ हिंदी भाषा के लिए नहीं होगा, ये अंग्रेज़ी वाला इंसान भी देखेगा, गुजराती बोलने वाला भी देखेगा, इसको सब लोग देखेंगे, बिकॉज ऑडियो विजुअल लार्जली एक लैंग्वेज एग्नोस्टिक होता है। फिर ये जो फिर उसके बाद CNN, IBN और
IBN 7 जी ये कहना चाहिए, वो फेज भी आपको आपने वो बनाया जी, वो एक 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 न्यूज का ही वो और ज्यादा कंटेंट कहना चाहिए कि उसमें पॉलिटिकल सोशल चीज आई। वो हमने देखा कि एक जब बिजनेस में एकदम मार्केट लीडरशिप हमारी हो गई और बिल्कुल डोमिनेंट थे हम लोग और आवाज भी सक्सेसफुल हो गया, तब लगा कि अब जो रियल सक्सेस उनको मिलेगा जो नेटवर्क कर पाएंगे। और उसके दो कारण थे, एक हम लोगों की उन दिनों कैरिज फी बहुत ज्यादा होती थी, केबल चैनल हमसे बहुत पैसा लेता था कैरी करने के लिए, और दूसरा हमको कंज्यूमर से हम पैसा ले नहीं सकते थे क्योंकि वो जो पैसा देता था वो सिर्फ एंटरटेनमेंट वालों को मिलता था। तो हमने कहा कि अगर हम अपना नेटवर्क बनाएंगे, एक चैनल या दो चैनल के बजाय हम 7-8 बनेंगे, तो ये दोनों प्रॉब्लम हमारी कम होंगी। एक हमारा बार्गेनिंग पावर केबल ऑपरेटर से बढ़ जाएगा और एक हमारा बार्गेनिंग पावर कंज्यूमर से बढ़ जाएगा कि अब हमारे को आप हमको एक चैनल का 1 रुपया नहीं देते लेकिन हमारे को 7 चैनल के 2 रुपये तो दे दीजिए, तो दिस समथिंग वी कुड टॉक टू द कंज्यूमर। सो आई थिंक उसका इट वॉज अ फॉलो आउट ऑफ दैट कि हम लोगों ने CNN IBN में करा। फिर राजदीप के साथ बात शुरू हुई क्योंकि टेलीविजन में एक हैवी वेट न्यूज़ पर्सनैलिटी का होना ज़रूरी हो जाता है क्योंकि ऑडियो विजुअल मीडियम है, क्योंकि अखबार में तो आप एडिटर को देखते नहीं हो, यहाँ पे आप एडिटर को हमेशा देखते हो, हर रोज़ देखते हो। तो वो एक राजदीप के साथ बात हुई, ही वॉज विलिंग टू टेक दैट कॉल कि वो भी एक नई चैनल सेटअप करने में इंटरेस्टेड था। तो उस तरह से वो CNN IBN का सारा शुरू हुआ। और जब हमने CNN IBN शुरू करी वो भी काफ़ी सक्सेसफुल जल्दी हो गई। तो साथ ही में IBN 7 जागरण ग्रुप की चैनल थी, उनको आपने लिया, वो उनसे वो आई थिंक वो टेलीविजन में इतना नहीं फोकस कर पा रहे थे क्योंकि जागरण इज सच अ बिग न्यूज़पेपर न्यूज़ प्रॉपर्टी। तो उन्होंने कहा कि आप हमारे साथ पार्टनरशिप कीजिए, तो उनके साथ पार्टनरशिप हुई तो हिंदी में हम लोग आ गए। तो ये इन 1.5 साल के एक पीरियड में हम लोग एक चैनल से 4 चैनल बन गए, बिजनेस से हिंदी बिजनेस से इंग्लिश पॉलिटिक्स से हिंदी पॉलिटिक्स, तो एक हमारा इकोसिस्टम और बड़ा इन्वेस्टमेंट भी उसमें जी इन्वेस्टमेंट हुआ से भी मिला, लोगों ने भी बन चुकी आपकी क्रेडिबिलिटी बन गई थी सीएनबीसी की वजह से। एग्जैक्टली, तो चाहे कॉर्पोरेट से भी जो मिलना चाहिए वो उसमें शेयर है, उसमें हमारे को प्राइवेट इक्विटी भी मिली, हमको रिटेल शेयर होल्डर का सपोर्ट भी मिला, हमको उसमें सपोर्ट मिला। बिल्कुल आप ठीक बोल रहे हैं क्योंकि 5 साल से लोगों ने देख लिया था कि अब एक क्रेडिबिलिटी बन गई। ये जो क्रेडिबिलिटी का सवाल है बाद में, मतलब मैं तो सीधे उस, चूंकि हम लोग उस पर मीडिया जर्नलिज्म पर भी बात कर रहे हैं कि किस तरह से जो एकदम थोड़ा सा जो चेंज आना करना पड़ा TV3 को पूरा टेक ओवर कॉर्पोरेट की तरफ से हुआ, ये भी एक पॉलिटिकल भी तो एक जिसका रीज़न है कि यदि अखबारों में भी हुआ है, जागरण का आपने नाम लिया, जागरण का भी एक अपनी एक आइडियोलॉजी कमिटमेंट उनका अपना रहता था, हिंदुस्तान टाइम्स का अपना था, उन पर भी प्रेशर होते थे। सो ये चूँकि ऐसा नहीं लगता कि जब कोई चैनल भी ज़्यादा वन साइडेड हो जाए, मतलब फ्रेंकली यदि उस समय एक ये धारणा बनी थी कि आम आदमी पार्टी के लिए ही ये चैनल बहुत कुछ कर रहा है और उसका ही असर ये हुआ कि बहुत प्रेशर, इकोनॉमिक प्रेशर कह सकते हैं या नंबर गेम में भी पीछे हुआ, तो ये तो आप मानेंगे कि चाहे पॉलिटिकल प्रेशर ना हो, यदि आप कोई ऐसी तरफा जिसको एक्टिविज्म कहें, माने अरुण शौरी का जर्नलिज्म एक्टिविज्म का जर्नलिज्म है, श्यामलाल या गिरल जैन या जो इस्तेहाल सिंह वाला जर्नलिज्म है एक अलग तरह का जर्नलिज्म था, उसका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी ये प्रेशर जो लोग कहते हैं ना साहब अखबार पर, क्यों ऐसा नहीं है, असर तो टेलीविज़न पर भी हुआ। नहीं बिल्कुल हुआ, बिल्कुल हुआ। आप आई थिंक आई हैव टू बी कैंडिड अबाउट कि हम लोगों ने थोड़ा शायद उस वक्त इतनी ऑब्जेक्टिविटी नहीं रखी जो हमको रखनी चाहिए थी, और इंसान ही एक एक एक, एक, एक हर्ड मेंटालिटी शुरू हो जाती है, और हुआ, बिल्कुल हुआ, हम लोग भी थे उसमें शामिल और लोग भी उसमें शामिल थे। बट आई एग्री विद यू कि एक उसका बड़ा सबक ये है कि जर्नलिज्म में, न्यूज़ जर्नलिज्म में आपको ऑब्जेक्टिविटी रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप नहीं रखते हैं और किसी तरह से आप किसी इंटरेस्ट ग्रुप के साथ लोगों की धारणा में भी अगर आप अलाइन हो जाते हैं तो एक तो आपकी क्रेडिबिलिटी पर डेंट पड़ता है, और जैसे आपने बोला उसके अलग प्रेशर भी आते हैं, इकोनॉमिक भी आता है, सिर्फ पोलिटिकल नहीं आता है, क्योंकि ऑडियंस अगर आपसे कट जाती है या आपका एक एको चेंबर बन जाता है कि एक ही तरह की ऑडियंस आपको देख रही है जो कि उनके सपोर्टर है, तो आपकी ऑडियंस वैसे ही कट जाती है, आपकी व्यूअरशिप कम होनी शुरू हो जाती है। इवन जो एडवर्टाइजर्स हैं जो आपको फाइनेंशियली भी चाहे रीजनल लेवल पर भी हो, उनको लगता है भाई आप तो उन्हीं की आवाज़ बन रहे हैं तो वाई शुड बी, बिल्कुल। तो जो क्रेडिबिलिटी हमारे मीडिया में है, बिल्कुल। और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपका चूंकि इतना वाइड एक्सपीरियंस है, आपने सब तरह की चीज़ें देखी हैं,
हमारे यहाँ जो क्रेडिबिलिटी का सवाल चैनल बढ़ते गए, देखिए आप अमेरिका से आपने चाहे इंस्पायर करके किया कि शुरुआत की, इंडिया में एक तरह से बूम आ गया है, 200 चैनल 400 चैनल 500 चैनल है, और उसके साथ क्रेडिबिलिटी का खतरा जो हमारा बढ़ा है, जिस समय जैसे आपने कहा आफ्टरऑल आज जो अच्छे जो खड़े हुए चाहे एडिटिव हुए ट्वीटेड हुए, अब कई ऐसे संपादक जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आए उनकी क्रेडिबिलिटी कोई मैंने इस पर कोई उंगली नहीं उठा सकता, लेकिन उसके बाद भी लेकिन अब क्या हुआ किसी के सिर पर तो लिखा नहीं है आई एम राघव बहल आई एम आलोक मेहता। सो उसके बाद जो मार्केट में जो क्रेडिबिलिटी जो बनी है, जबकि अमेरिका में भी इतने चैनल नहीं है जो भारत में हो गए, और तो कई ब्रिटेन तो छोटे कंट्री हैं, यूरोप में तो सबके अलग अलग अपना हो सकते हैं, चीन में कोई सवाल ही नहीं है, तो ऐसी स्थिति में क्या क्रेडिबिलिटी रखने के लिए आपके हिसाब से क्या तरीका हो सकता था, चूँकि हम ये भी नहीं चाहते कि कोई कंट्रोल हो भाई, दो ही चैनल या पांच चैनल हो तो दूसरी वाली स्थिति आ जाएगी, सो व्हाट हाउ यू थिंक बिकॉज यू नो द बोथ साइड। जी नहीं, इट्स जो आपने अभी इशू उठाया, इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट कंसर्न, इट इज़ अ मैटर ऑफ ग्रेट कंसर्न फॉर पीपल जिनको जो एडिटोरियल को एक आर्टिकल ऑफ फेथ मानते हैं। देखिए दो तीन चीज़ें इसमें हुई कि हमारी जो रेगुलेशंस थी वो बहुत ही ड्रेकोनियन सी हो गई, बहुत ही नेगेटिव हो गई, एक एंटरप्रेन्योर के लिए सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल हो गया। मैं आपको उसका उदाहरण देता हूँ, यानी मैं जनरल पे नहीं छोड़ दूंगा मैं, कि हम लोगों ने एक दो रूल बना दिए कि अगर मैं चैनल ओनर हूँ तो, और मुझे जो केबल ऑपरेटर को है मस्ट प्रोवाइड क्लॉज है, तो मेरे को तो अपनी चैनल केबल ऑपरेटर को देनी देनी है, लेकिन केबल ऑपरेटर को मस्ट कैरी क्लॉज नहीं लगाया इन्होंने, तो ये नहीं कि वो ही हैज़ टू कैरी मी। तो हुआ क्या कि आपने हम लोगों की बार्गेनिंग पावर एकदम लॉपसाइडेड कर दी, तो केबल ऑपरेटर ने इतना ज़्यादा कैरेज फी लगाया। अगर इस दो रेगुलेशंस हैं जिसकी वजह से ये इंडस्ट्री बिल्कुल जैसे खड्डे में गिर गई, एक ये कि तो जो केबल ऑपरेटर ने जो कैरेज फी लगानी शुरू करी और ओपन आपने एंट्री करी हुई है, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ, हमें एंट्री पर कंट्रोल नहीं करना चाहिए, लेकिन ओपन है टोटली, कोई भी आ सकता है, तो जो आया जिसने पैसा कैरेज ज़्यादा दिया उसकी चैनल दिखने लग गई। अब आपने भी इन्वेस्ट करा हुआ है, 100 करोड़ 200 करोड़ लगाया हुआ है, अब आपको भी उस गेम में रहना ज़रूरी है, ऑडियंस के सामने देखिए जो दिखता है वो बिकता है, ऑडियंस के सामने तो आप आओगे ही, तो आपको भी कैरेज फी बढ़ानी पड़ी। तो 2008-09 में स्थिति ऐसी हो गई कि हम लोगों का जो रेवेन्यू था 40% हमारा रेवेन्यू 40% कैरेज फी में जाता था, तो देयर इज नो वे कि हम लोग वायबल रह सकते थे, कोई वायबिलिटी का सवाल ही नहीं था। इसके साथ एक और एक रेगुलेशन बन गई कि जो भी इसका ओनर है न्यूज़ चैनल का उसको 51% खुद अकेले होल्ड करना है। अब आप दोनों तरफ से देखिए किस तरह से ये पिंसर अटैक हो रहा है कि यहाँ तो आपको पैसा लगाना है जस्ट टू स्टे इन द मार्केट, सिर्फ एक केबल ऑपरेटर के साथ कैरी करने के लिए आपको हर साल लगाना है, और दूसरी तरफ आपने कैपिटल को कंट्रोल कर दिया, मनी रेजिंग एबिलिटी को कंट्रोल कर दी, क्योंकि अगर मैं फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर हूँ, मैंने TV18 शुरू करा 50,000 रुपये के साथ, प्रणय रॉय ने वो भी फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर है, उन्होंने भी कोई फैमिली वेल्थ इंडस्ट्रियल वेल्थ नहीं उनके पास, कई ऐसे लोग हैं, लेकिन आपने एक कंडीशन लगा दी कि 51% आपको हमेशा होल्ड करना पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि अगर मैं 100 करोड़ रुपया मार्केट से लेता हूँ या किसी इन्वेस्टर से लेता हूँ तो 100 करोड़ मुझे खुद लाना है, वो इम्पॉसिबल सिचुएशन हो गई, इम्पॉसिबल हो गई, और उसकी वजह से आप देखिए न्यूज़ चैनल्स की हालत जो है वो आज ऐसी बन गई है कि या तो यू बिलोंग टू अ बिग इंडस्ट्रियल ग्रुप, टाइम्स ऑफ इंडिया है, जी है, रिलायंस है, अब इंडिविजुअल जो ओनर है वो तो अगर एक दो खड़े भी हैं तो ये बहुत ही प्रिकेरियस सिचुएशन में खड़े हुए, कभी भी गिर सकते। तो ये दो रेगुलेशन जो हैं बहुत ज़्यादा 2008-09-10 के पीरियड में तंग किया, और 2008-09-10 के पीरियड में ही ग्लोबल क्राइसिस हो गया, मार्केट्स नीचे चली गई, एडवर्टाइजिंग एकदम गिर गई, तो ये एक माहौल बना जिसका मैंने आपको बताया, उसकी वजह से एक मैं यहाँ एक और इंटरेस्टिंग है जो मैं फिर आपने चूँकि अखबारों के नाम लिए, मैं सब उन ऑर्गेनाइजेशन में काम भी मैंने किया है, ये होना कि पैसा ज़्यादा, एक समय में जिस बिरलास के पास पैसा था, गोविंदा और मतलब जैंस के पास पैसा था, वो बड़े एम्पायर थी, उनके अखबार बढ़े भी, एक समय में बहुत बड़ी क्रेडिबिलिटी थी, स्टेट्समैन के मुकाबले में पैसा तब भी बिरलास के पास ज़्यादा ही था जी।
तो पैसा ज़्यादा होने के बाद भी क्रेडिबिलिटी, मैं फिर उस पर आ रहा हूँ, क्रेडिबिलिटी या वो चैनल की आप मैंने नाम नहीं भी लेना चाहें तो आप देखिए कि वो चैनल की जो जिनके पास सबसे ज़्यादा पैसा है वो आज 8वें 9वें नंबर पर है, या जो अखबार जिनका उनका भी मैं नाम नहीं दे हिंदी में लैंग्वेज में जो आए हैं उनकी क्रेडिबिलिटी नहीं है। हो सकता है वो 10 लाख 20 लाख करते हैं लेकिन वो पैसा उनके पास है, लेकिन जनता में ये ठीक है वो पढ़ लेंगे, जैसे होता है ना आपने ठीक है भाई कहीं पान तो खाना है चाय पीना है, मतलब वो यहाँ चाय पीजिए ताज होटल में पीजिए, तो जो क्वालिटी है वो भी उससे गिरती है जिनका पैसा है, लेकिन वो उनको भी उतनी ऐसा नहीं कि उससे वो पहुँच पाते हैं। पैसा ज़रूरी है लेकिन पैसे के साथ आपकी विश्वसनीयता या सामाजिक सरोकार सोशल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उससे नहीं जुड़ी हुई है, ये आपको लगता है? नहीं, बिल्कुल ठीक आप बोल रहे हैं, क्योंकि न्यूज़ में सबसे बड़ा जो करेंसी है वो आपकी क्रेडिबिलिटी है। अगर आपके पास क्रेडिबिलिटी नहीं है तो आप उसको इतना नहीं देखते। इसमें एक मैं कैवियट करना चाहता हूँ, और अगेन ये कैवियट अखबार का और ऑडियो विजुअल मीडियम का थोड़ा है। देखिए, अखबार जो है बड़ा एक इंटेंसिव इंगेजमेंट होती है, क्योंकि आप पढ़ते हैं, उसमें लैंग्वेज कई स्टोरी कॉम्प्लेक्स होती है, लैंग्वेज कई बार थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती है, तो एक इट्स अ वेरी इंटेंस इंगेजमेंट। अखबार का पढ़ना 100% डेडिकेशन के साथ आदमी पढ़ता है, 100% फोकस के साथ पढ़ता है, क्योंकि वो अदरवाइज वो असिमिलेट नहीं होता, उसको समझ नहीं आता। टेलीविज़न में थोड़ा तमाशा ही होती है, क्योंकि वो टेलीविज़न आप पार्ट एंटरटेनमेंट पार्ट न्यूज़ देखते हो, और वो ऑडियो विजुअल मीडियम का एक वो है, एक वो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी कह लीजिए, पिक्यूलियरिटी कह लीजिए, वो है। तो जो ऑडियो विजुअल मीडियम की जो ऑडियंस है वो हमेशा इतनी कमिटेड इंगेज्ड ऑडियंस नहीं होती, तमाशाही भी होते हैं, और तमाशाही होने की वजह से आप प्रोग्रामिंग भी थोड़ी तमाशाही वाली देखते हैं जो नॉन सीरियस होती है, जैसे आपने देखा है। हमने पहले से ही कह देते ना कि आप थोड़ा तमाशा में आप भी शामिल हुई, मतलब नाम नहीं ले रहा हूँ लेकिन ये चैनल के जो हेड है या एडिटर्स है वो कह देंगे कि राघव जी आप आए तो थोड़ा सा जोक सुनाइएगा या बिल्कुल कुछ ऐसा या लड़ाई करिएगा, तो वो वहाँ पे वो एलिमेंट है। इसलिए वहाँ पे वाइल क्रेडिबिलिटी आपकी लो हो लेकिन ऑडियंस तब भी आपको हाई नंबर में आ जाती है, ये मैं बहुत रिस्पॉन्सिबली बोल रहा हूँ आफ्टर हैविंग स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम इन टेलीविजन। अभी भी तुलना है, देखिए टेब्लॉइड न्यूज़पेपर जो सन और मिरर है लंदन का, अमेरिका में उतने नहीं है लेकिन फिर भी जो एक दो हिसाब से, हमारे यहाँ इंडिया में जो जर्नलिज्म है कुछ हद तक जो सीरियस पेपर्स या मीडियम थे उन्होंने भी उसको टेब्लॉइड कर लिया, इंस्टीट ऑफ जैसे आपने कहा आप सीन भी से अलग था, यदि किसी को टेब्लॉइड टाइप का एक न्यूज़पेपर निकालना वो अलग निकालता, बड़े हाउसेज में भी नहीं निकाला, मेल टुडे को छोड़ दें वो भी फिर उतना टेब्लॉइड नहीं है जो सन और मिरर से तुलना करें, इसलिए वो शुरू में चला बाद में नहीं चल रहा है। तो वैसी स्थिति में हमारे टीवी में भी कुछ ऐसे नहीं हो सकता था कि जो ज़्यादा क्रेडिबल वाले हों वो ज़्यादा चलें, लेकिन वहाँ फिर पैसा आता है, उनके पास पैसा शायद नहीं आ पाया। और मैं कहा दो तरफ से वो, एक तो आपने पिंसर डाल दिया, तो पैसा आपने रेवेन्यू हमारा 40% ले लिया एक बहुत ही गलत रेगुलेशन करके, जिससे कि हमारी बार्गेनिंग पावर केबल ऑपरेटर के साथ जीरो कर दी। दूसरी तरफ हमको मार्केट से पैसा लेने को और आपने तंगी कर दी। तीसरा, ये मीडियम ऐसा है कि अगर आपकी क्रेडिबिलिटी कम हो लेकिन आपकी ऑडियंस ज़्यादा हो सकती है, तो अगर आप इन्फ्लुएंस को चेक करें तो आपको कई बार कई जगह आप देखेंगे कि लोअर ऑडियंस वाली चैनल का इन्फ्लुएंस भी बहुत ज़्यादा हो सकता है। नहीं देखिए, भूत प्रेत सांप बिच्छू मतलब ये सब जो दिखाने लगे जो कभी जो मेनस्ट्रीम जर्नलिज्म नहीं है, मेनस्ट्रीम जर्नलिज्म नहीं है, एक तरह से देखा जाए दुनिया के किसी मुल्क में नहीं है जो शायद यहाँ पर है, तो आपको इसके लिए तमाशाई वाली बात है, क्या होना चाहिए। एक मीडिया काउंसिल की बात आती थी, कोई रेगुलेशन मतलब आपने वो ठीक है, इकोनॉमिक रेगुलेशन तो अपनी जगह है, उसके हर सरकार बदलती रहती है कई बार, लेकिन क्या मीडिया में सेल्फ रेगुलेशन में भी ब्रॉडकास्ट काउंसिल भी बना, मैंने आप एडिटर्स की बॉडी भी बनी, लेकिन जैसा होना चाहिए, चूंकि हमने एडिटर्स गिल्ड में भी बनाया लेकिन फॉलो यदि नहीं कर रहा है कोई आदमी भोपाल में या पटना में या कहीं केरल में, तो यू कांट कंपेल देम। व्हाट सॉल्यूशन यू थिंक जिससे क्रेडिबल भी हो और उससे कन्फ्रंटेशन या समाज में भी एक उसका नुकसान ना। देखिए, इसमें थोड़ा रेगुलेशन, जो रेगुलेशन नेगेटिव थी न्यूज़ चैनल्स के लिए, अब उसको थोड़ा एफर्मेटिव होना पड़ेगा। अगर एक न्यूज़ चैनल को अगर आज भी आप कैरेज में मार रहे हो, और अभी भी मार पड़ रही, जब डिजिटाइज भी हुआ था उस वक्त क्लियरली एक चेयरमैन ने आके बोला था, रिकॉर्ड पे बोला था कि मैं न्यूज़ चैनल का कैरेज 1 रुपये पर मंथ पर कंज्यूमर करने वाला हूँ, लेकिन वो करा नहीं गया, कभी हुआ नहीं वो। तो अगर आपको
अब एफर्मेटिव आपको करना पड़ेगा अगर आप क्रेडिबल चैनल को उसकी सस्टेनेंस को आप हेल्प करना चाहते हो, और आपको कंज्यूमर रेवेन्यू का भी मैंडेट देना पड़ेगा कि केबल चैनल्स का ये बंडल जो है ये इतने पे प्राइस होगा, आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा। तो केबल भी नहीं डिश है वैसे, हाँ, उनका भी चार्जेस तो है जी, उनका भी चार्ज कोई कम नहीं है। तो ये थोड़ा एफर्मेटिव एक्शन आपको करना पड़ेगा अगर आपको क्रेडिबल कॉन्टेंट को सपोर्ट करना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ हमेशा के लिए कीजिए, लेकिन आपने 10 साल एक इंडस्ट्री को मारा है, आप शायद 10 साल की उसको सपोर्ट दे दीजिए, उसके बाद आप सपोर्ट हटा दीजिए। तब जब तक आप ये नहीं करेंगे तब तक वो, अगर वो प्योर ऑडियंस नंबर लेड वाली गेम होने वाली है तो ये तमाशा ही रहेगा। आप जैसे इस टीवी के साथ आपने क्विंट पर आप आए हैं और डिजिटल में आपको लगा है कि, और सचमुच में एक नई जनरेशन बड़े पैमाने पर आ रही है इंडिया में, लेकिन ये भी एक नया चैलेंज है। जैसे आपने उस समय शुरू किया था लगभग वैसी स्थिति, जो कि अभी भी भारत में लोग उसके जरिए उन्हें हो सकता, जो नई जनरेशन है वो मोबाइल पर देखेगी जी, लेकिन उसके साथ डिटेल में जब जाना होता है तो फिर चाहे वो अमेरिका में भी वो जाते हैं प्रिंट पे जाते हैं या टीवी पर जाते हैं। सो आपको लगा कि डिजिटल, और चूँकि आपने एक समय में अपना जब CNBC के साथ थी सोचा भी था कि अखबार भी निकालें, वो नहीं निकाला, तो कैसे इसका कॉम्बिनेशन करेंगे डिजिटल टीवी प्रिंट, फ्यूचर के हिसाब से आप क्या देखते हैं अपने खुद के लिए या इंडिया के भविष्य के हिसाब से? नहीं, ये बहुत इस वक्त एवोल्यूशन जो है, अभी फेज बिल्कुल मेल्टिंग पॉट में है। अभी कोई ऐसा कहना कि मैं कि ये एंड पॉइंट है बिल्कुल गलत, ये मेरे हिसाब से मेल्टिंग पॉट की शुरुआत है, ये काफ़ी मेल्टिंग पॉट में रहेगा ये। लेकिन जो पिछले 2 साल जो मैंने डिजिटल में पूरे पूरा फोकस और तवज्जो के साथ जो सीखा हूँ मैं, जो 2-3 चीज़ें क्लियर हैं, क्लियर हो रही हैं क्योंकि मेल्टिंग पॉट अभी भी है, कि ये जो यंग ऑडियंसेस हैं ये ज़्यादातर कंज्यूम करेंगे कंटेंट छोटे स्क्रीन पे, मोबाइल स्क्रीन पे, ब्रेकिंग न्यूज़ वगैरह मोबाइल स्क्रीन पे आएगा, बैंडविड्थ जब बेटर होती है तो वीडियो भी ये छोटी स्क्रीन पे ही देखेंगे। लेकिन ये कहना कि ये लेगेसी मीडियम ज़ीरो हो जाएगा, ये मैं नहीं मानता हूँ। इसीलिए आप शायद साथ में टीवी पर भी आ रहे हैं जी, ये बिल्कुल नहीं मानता हूँ मैं, क्योंकि देखिए रिटर्न वर्ड जो है, रिटर्न वर्ड का रेसरेक्शन हुआ है डिजिटल में। रिटर्न वर्ड से एकदम पेंडुलम स्विंग हो गया था टेलीविजन की तरफ, क्योंकि पेपर लोग इतना नहीं पढ़ रहे थे, खासकर अंग्रेजी लैंग्वेज, लेकिन डिजिटल से रिटर्न वर्ड का रेसरेक्शन हुआ है, रीडिंग बहुत हो रही है डिजिटल में, और हम अपने क्विंट में भी ट्रेंड्स देख रहे हैं कि आर्टिकल पढ़े जाते हैं, उसके साथ वीडियो जुड़ गया है। तो ये एक बहुत ही ये टेलीविज़न और प्रिंट का एक बहुत वो इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन है जो अभी इवॉल्व हो रहा है। लेकिन लेगेसी ऑडियंसेस जो हैं वो मेरे हिसाब से लेगेसी प्रोडक्ट के साथ रहेंगी, अगर वो लेगेसी प्रोडक्ट अपने आप को डिजिटल के लिए ट्रांसफॉर्म कर लेगा, वो ज़रूरी है। अब वो कौन ट्रांसफॉर्मेशन कर सकता है और कौन नहीं कर सकता है, मेरे हिसाब से गेम उधर है इस वक्त। अब हम वापस टेलीविज़न में ब्लूमबर्ग क्विंट के थ्रू आए हैं, और ब्लूमबर्ग एक लेगेसी ब्रांड है, और वो मेरे उससे इस सोच से पूरा मेल बैठते हैं कि जो लेगेसी ऑडियंस है, ब्लूमबर्ग ने एक ऑडियंस 20 साल ओवर 20 ईयर्स उन्होंने एक बिजनेस की ऑडियंस बनाई है अपनी, अगर उस ऑडियंस को हम लोग एक अच्छा डिजिटल एक्सपीरियंस दे सकते हैं तो वो ऑडियंस कहीं जाएगी नहीं। अगर हम डिजिटल एक्सपीरियंस उसको नहीं देते और कहते हैं कि नहीं हम तो प्रिंट वाले लोग हैं और हम तो जो जिस तरह से 20 साल पहले काम करते थे वैसे ही अब करेंगे, तो फिर वो ऑडियंस कट के नए प्रोडक्ट्स के पास जाना शुरू करेगी। तो ये एक चैलेंज अगले 4 से 5-6 साल में ये बैटल होने वाली है। आप अमेरिका में भी देखिए, बैटल अमेरिका में 7 साल पहले शुरू हुई, इंडिया में तो अभी 2 साल पहले शुरू हुई है, जैसे बज़फीड हो या वॉक्स हो, धीरे धीरे ये सारे नेटवर्क्स मेन स्ट्रीम मीडिया में असिमिलेट हो रहे हैं, और सब देख रहे हैं कि वीडियो और प्रिंट दोनों बहुत ज़रूरी हैं और ओरिजिनल स्टोरी बहुत ज़रूरी है। ये क्यूरेटेड वाला जो मामला है ये थोड़ी देर के लिए चला, ये अब ज़्यादा नहीं चलेगा, क्योंकि ऑडियंस जो है वो उसी कंटेंट के पास जाती जो पहली बार ओरिजिनल होता है, और टुडे आप आज उसको उसी आर्टिकल में वीडियो के साथ एम्बेलिश कर सकते हो। तो ये जो नया क्राफ्ट जो सीख पाएगा, या वो नया प्लेयर होगा या वो लेगेसी वाला होगा, और मेरे
मेरे हिसाब से जो मेरी जजमेंट है वो लेगेसी वाला ज़्यादा आसानी से कर पाएगा क्योंकि उसके पास ऑलरेडी एक सिटिंग ऑडियंस है। राघव जी, जिस तरह से आप वैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ज़्यादा आपने दिया, लेकिन एक सुपर पावर जैसी एक अच्छी किताब आपने लिखी जो चाइना को लेकर के इंडिया में बने, उसके बाद और भी चाइना में किताबें आई हैं, लेकिन काफ़ी एक रिसर्च बेस्ड इस तरह का काम करना, ये भी इस बात का है कि कलम से भी आपका प्यार रहा है, चाहे वो आपने कंप्यूटर पर कलम चलाई हो, लेकिन वो कैसे आपके दिमाग में आया कि, चूँकि ये सही है कि भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती आज लोग मानते हैं कि चीन है, अमेरिका था, अब अमेरिका पर भी लिख सकते थे क्योंकि वो भी महाशक्ति तो उससे पहले रही है जी, लेकिन चीन को क्यों आपने फोकस किया और उस पर ये जो किताब है उस पर क्या रिस्पॉन्स आप करा? तो 1993 से जब इंडिया ने अपना रिफॉर्म शुरू करा, मैंने बिजनेस रिपोर्टिंग करी और रिंग साइड से रिपोर्टिंग करी, हर फाइनेंस मिनिस्टर के साथ इंटरव्यू हुई, हर बजट के बाद हुई, मनमोहन सिंह थे, चिदंबरम थे, प्रणब मुखर्जी थे, यशवंत सिन्हा थे, जसवंत सिंह थे, सबसे। तो हिंदुस्तान का जो रिफॉर्म प्रोग्राम था वो तो मैंने बहुत करीबी से देखा, बहुत करीबी से देखा, तो वो तो मुझे समझ था कि हमने क्या किया। लेकिन चीन के बारे में मेरे को एक मिस्ट्री सी रहती थी, क्योंकि अगर आप एक आंकड़ा मैं आपको बताता हूँ और वो उसने मुझे चौंका दिया और मैंने कहा यहाँ तो कुछ देखना पड़ेगा। 1993 में जब हम लोगों ने अपना रिफॉर्म शुरू करा, चाइना ने 15 साल रिफॉर्म कर लिया था, 78 से चाइना ने रिफॉर्म करा था, लेकिन तब भी पर कैपिटा इनकम हिंदुस्तान की चाइना से ज़्यादा थी, तो वो चौंकाने वाली बात थी मेरे, लेकिन 1993 में हम उनसे आगे थे पर कैपिटा इनकम में। नरसिंह राव जब गए थे आवाज़ थीम, तो वहाँ साइकिल के अलावा मैंने गाड़ी मुश्किल से मिलती थी, बिल्कुल। देखिए वो बस वही था। और 2003 में जब 4 में मैंने मुड़के देखे आंकड़े, तो वो हमसे 4 गुना आगे हो गए थे, 4 times, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 4 बार। तो मैंने कहा ये क्या मिरेकल है कि 12-13 साल में वो हमारे से 4 गुना हो गए, और हमने भी रिफॉर्म किया, हमने भी हमारी इकोनॉमी भी बढ़ी, लेकिन हम उनसे इतना पिछड़ गए। तो दैट वॉज द इंस्टिगेटिंग फैक्टर फॉर मी। मैंने कहा मेरे अपनी इकोनॉमी को तो मैंने बहुत देखा है, चाइना को करीब से जब तक नहीं देखूंगा तो ये फिनोमिनन समझ नहीं आएगा। तो मैंने 2 साल चाइना की खूब स्टडी करी, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि उन्होंने क्या किया। फिर मेरे को लगा कि एक बहुत ही फैसिनेटिंग कंपैरिजन हो सकता है कि वो तो खरगोश है और हम कछुए हैं, तो एक कछुए और खरगोश की लड़ाई और जो रेस है बहुत पुरानी है, लेकिन अगर हम इसको इकोनॉमिक टर्म्स में देखें, द रेस बिटवीन द हेयर एंड द टॉर्टोइस, चाइना हेयर और हम टॉर्टोइस, तो इसका क्या अंत निकल सकता है। तो मेरा तो सुपर पावर वहाँ से पैदा हुई, और इसीलिए मैंने उसका 1:1 कंपैरिजन रखा। तो मैं ज़्यादा एक स्टोरी में नहीं रहा, मैंने कहा 1:1 करते हैं कि उन्होंने रेलवे में क्या किया, उन्होंने रोड्स में क्या किया, उन्होंने पब्लिक सेक्टर में क्या किया। तो आई थिंक वो कारण था कि लोगों को वो किताब इसीलिए अच्छी लगी, क्योंकि उसमें ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट थ्योरी नहीं थी, हर रोज़ की बातों का कंपैरिजन था। और जो निष्कर्ष मेरा था, मुझे चाइना से भी कुछ लोगों ने कहा कि हम लोगों ने भी उसको ऐसा नहीं देखा था कि जो चाइना ने इन्वेस्टमेंट करी, जिस तरह से चाइना ने अपने आप को खोल दिया, तो चाइना का जो मुझे मॉडल लगा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मॉडल था, आधा सोवियत रशिया वाला था, आधा जापान वाला था। सो दे मैरिड द टू, आधा उन्होंने सोवियत रशिया से तो स्टेट कंट्रोल सीखा, और जापानीज इकोनॉमी से उन्होंने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लेनी सीखी। हम लोगों ने क्या किया, हम थोड़े बीच बीच में ही रह गए। हम लोगों ने ट्रेड और इन्वेस्टमेंट में तो खूब रिफॉर्म किया, हमने ट्रेड अपनी खोल दी, हमने अपना इन्वेस्टमेंट कैपिटल मार्केट्स खोल दी, एग्रीकल्चर में हमने रिफॉर्म नहीं करा, हम लोगों ने इंडस्ट्री में इतना रिफॉर्म नहीं करा, हमने ट्रेड में नहीं करा। आज हम GST ला रहे हैं, 22 साल के बाद जो कंट्री 30% का टैक्स कैसकेट करके करती है, आज शायद 18% करेगी, तो 12% का एक इकोनॉमिक ग्रोथ रिलीज होगी या इकोनॉमिक सरप्लस रिलीज होगा इकोनॉमी में। तो ये मेरा ट्रिगर पॉइंट था, और ये कंपैरिजन था, और आई थिंक लोगों को कंपैरिजन अच्छा लगा कि हेड टू हेड कंपैरिजन। ये तो आप मानेंगे कि कुछ हमारे यहाँ जो नहीं हुए उसके पीछे एक डेमोक्रेटिक है। चाइना में आपने कहा ये बिल्डिंग हटाना है, कल हटा देंगे, भारत में डेमोक्रेसी के कुछ उसके फायदे भी हैं। कल अचानक ये नहीं कहा गया भाई ये TV 18 का बिल्डिंग हटा दीजिए, वहाँ तो कर, यदि चाहते कि ये चैनल बनना है या फलानी यहाँ गाँव पर बसना है तो आप वहाँ कर सकते हैं। तो बिल्कुल मेरा फाइनल कंक्लूजन यही था कि जो हम लोगों का जो हम लोगों ने अपफ्रंट प्राइस पे कर दी है ग्रोथ की, हम लोगों ने जो ग्रोथ का टैक्स है वो शुरू में दे दिया है, क्योंकि हम जो ग्रोथ कर रहे हैं वो ऑर्गेनिक है, लोगों की सपोर्ट के साथ है। आज
आप देखिए इस देश में हर जहाँ जहाँ भी वोट पड़ रही है विकास के नाम पर पड़ रही है, डेवलपमेंट के नाम पर पड़ रही है, तो हमारा लोगों का बायन है। चाइना का टॉप डाउन ग्रोथ है, चाइना का ग्रोथ जो है सरकार ने किया है। चाइना को अब प्रॉब्लम हो रही है, अब उनको प्रॉब्लम हो रही है। तो मेरा अल्टीमेटली कंक्लूजन यही था कि आप अगर 20 साल में देखेंगे तो हमसे आगे हैं, लेकिन अगर आप 50-60 साल में देखेंगे तो इंडिया बहुत बिल्कुल कैचअप करेगा। TV18 जो आपने खड़ा किया और एक पूरा कॉरपोरेट वहाँ पर आ गया, तो आपको नहीं लगता कि एक चीज़ खड़ी कर, जैसे होता है आपने एक बिल्डिंग बना करके आप किसी को जब बेच दें या उसको दे दें तो उसका एक एक अलग शौक हो के फिर एक नए सिरे से फिर एक नई बिल्डिंग खड़ी करना? देखिए अब विशेष पे तो ज़िंदगी चलती नहीं है, ज़िंदगी की रियलिटीज़ अलग होती हैं। कुछ हालात ऐसे बने, मैंने आपको बताया रेगुलेशंस ऐसी थी, 2008-11 की ग्लोबल क्राइसिस ऐसा था, कुछ हम लोगों का डेट इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि और कोई चारा नहीं था। तो अब वो जो ख़त्म हुई बात, रात गई बात गई, और जो नया शुरू करना है तो नया एक मतलब ऑप्टिमिस्टिक हैं फ्यूचर जो है वो आपके लिए या भारत का मीडिया जो है उसका फ्यूचर है? बिल्कुल है, बिल्कुल उसको ध्यान रखें, क्रेडिबिलिटी बनाएं, कंटेंट हो बिल्कुल, और डिजिटल की एक डिजिटल का लैंग्वेज और ग्रामर सीखिए, और ये 2-3 चीज़ें करेंगे तो बहुत फ्यूचर है। और बाकी देखिए यू नो इट्स ऑलवेज गुड टू डू समथिंग न्यू, आदमी यंग रहता है। चलिए बहुत अच्छा लगा राघव बहल जी, इस कार्यक्रम में हम राघव बहल जी से बात की, और उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से भारत में भविष्य वो देखते हैं, भारत में कलम और कैमरा हमेशा गवाह रहेगा और भविष्य सुरक्षित है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।